प्रदेश के मुरादाबाद में दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने सरेआम स्कूल में घुसकर प्रबंधक के साथ मारपीट की। दरअसल ये पूरा मामला कटघर थाना क्षेत्र स्थित मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल का है। बताया जा रहा है कि बदमाश स्कूल में जान से मारने की फिराक में घुसे थे। आपको बता दें कि ये सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, स्कूल स्टाफ से भी अभद्रता की। इसके साथ ही साथ स्कूल के फर्नीचर के साथ भी तोड़फोड़ की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मैं मैक्सिमम पब्लिक स्कूल की टीचर हूं। सुबह 10:30 बजे हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट हुआ है, और जब हमने नीचे जाकर के देखा तो हमारे स्कूल के मैनेजर मिस्टर मोहम्मद आसिफ जो है लोगों ने घेर रखा था, औरतों ने और आदमियों ने उनके ऊपर लिपटे हुए थे बुरी तरह से। जब हमने बीच बचाव कराने के लिए उनसे कहा कि स्कूल में हंगामा मत करिए, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर भी एकदम चप्पलें और कुर्सियाँ डालना शुरू कर दी और हम लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा। हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और हमने 100 नंबर पर भी कॉल की, 1090 पर भी कॉल की, लेकिन पुलिस ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जब तक वो लोग आए तो वो हमें मार चुके थे, और जैसे ही वो पुलिस एंटर हुई गेट में से, तो उन लोगों ने जो आरोपी थे जो हमें मार रहे थे उन्हें गेट के बाहर कर दिया। कल एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कटघर थाना क्षेत्र स्कूल में कुछ महिलाओं, जनता की महिलाओं द्वारा घुसकर प्रबंधक के साथ हाथापाई की गई, जिस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। उनकी तहरीर प्राप्त हो गई है, तहरीर के आधार पर हम लोग तो पंजीकृत करके और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? उसमें तहरीर के आधार पर पहले मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। दस्तक टीवी के लिए मिर्जा गालिब की रिपोर्ट।